हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश हनीडू बुक का चैप्टर 1 की पोयम द आंट एंड द क्रिकेट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आंट का मतलब तो चींटी होता है, आप सभी को पता है, लेकिन क्रिकेट का मतलब यहाँ बैट बॉल वाला क्रिकेट नहीं है। यहाँ पे हम उस क्रिकेट की बात कर रहे हैं जो कि एक इंसेक्ट होता है, एक टिड्डा बोलते हैं ना, जैसे हिंदी में आपने देखा होगा ग्रीन कलर का होता है, ये वो वाला क्रिकेट है। तो हम इसमें जो स्टोरी है वो एक चींटी के बारे में और एक टिड्डे के बारे में एक स्टोरी है। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों कि क्या ये स्टोरी सचमुच आंट और क्रिकेट के बारे में ही है या ये किसी और को सिंबलाइज कर रही है, किसी और की तरफ इशारा कर रही है। तो चलिए बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ फेबल इज अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर दैट कन्वेज अ मॉरल। दिस पोयम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस विच इज एज ट्रू ऑफ अ फोर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ अ टू लेग्ड वन। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज टू लेग्स। तो बच्चों, जो फेबल होती है वो एक ऐसी कहानी होती है, ऐसी स्टोरी होती है जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो किरदार होते हैं, वो तो एनिमल्स होते हैं, लेकिन वो जो मॉरल उससे मिलता है, वो जो कहानी में सीख हमें मिलती है, वो हर किसी के लिए लागू होती है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या कोई भी हो। तो बच्चों, ये जो पोयम है, ये पोयम एक है तो एक आंट और एक क्रिकेट के बारे में, यानी कि एक चींटी और एक टिड्डे के बारे में, लेकिन इसमें जो ज्ञान हमें दिया गया है वो चार पैर वाले टिड्डे के बारे में और दो पैर वाले टिड्डे के बारे में भी है। यहाँ पे दो पैर वाला टिड्डा तो होता नहीं है ना बच्चों, यहाँ पे दो पैर वाला टिड्डा यानी कि इंसान को कहा गया, इंसानों पर भी ये बातें लागू होती हैं। जैसे कि हमने और भी स्टोरीज सुनी होंगी, हमने कछुआ और रैबिट की कहानी सुनी है ना, जिसमें वो कछुआ जो होता है वो कंटिन्यूसली चल चल करके लास्ट में रेस जीत जाता है, जबकि वो जो रैबिट है वो अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और रेस लास्ट में हार जाता है। तो बच्चों, है तो वो भी एक फेबल स्टोरी जिसमें एनिमल्स हैं कैरेक्टर, लेकिन ये रियलिटी में हमें एक इंसान के नेचर को भी दिखाता है, यानी कि अगर एक इंसान जो है बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और दूसरे इंसान को समझता है अरे हाँ ये तो मुझसे बहुत ही वीक है, ये तो मुझसे कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, और वो इंसान अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस होकर के लेजी बन जाता है, तो वो इंसान जिसे कि वो बहुत ही वीक समझ रहा था, वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मेहनत करके लास्ट में जीत जाता है रेस। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो स्टोरी है आंट और क्रिकेट के बारे में, तो यहाँ पे जो क्रिकेट का नेचर है, जिस तरीके का वो टिड्डा है, उसी नेचर को एक इंसान के नेचर से भी कंपेयर किया जा सकता है। मतलब जैसा टिड्डे ने किया, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ भी वही होगा जो कि टिड्डे के साथ हुआ। और राइटर को यकीन है कि आपने टू लेग क्रिकेट जो है वो देखे होंगे, यानी कि ऐसे इंसान देखे होंगे जो कि उस टिड्डे की तरह बिहेव करते हैं लाइफ में। तो चलिए देखते हैं ये स्टोरी क्या है और वो टिड्डा क्या बिहेव करता है और उसको लास्ट में क्या भुगतना पड़ता है। असली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर हैज कम। तो बच्चों, जो सिली क्रिकेट है इस चैप्टर में, जो एक टिड्डा है, मूर्ख टिड्डा है इस कहानी में, उसे गाना गाना बहुत ही अच्छा लगता है, और जब भी गर्म गर्म गर्मियों के महीने आते हैं, सूरज जब निकला होता है या स्प्रिंग का महीना आता है, तो बहुत ही खुश होता है। गे का मतलब होता है बच्चों खुश होना, तो बहुत ही खुश होता है और गाना गाता रहता है। और जब जैसे ही वो गर्मियाँ और स्प्रिंग सीजन चले जाते हैं और ठंडियाँ आ जाती हैं, तब उसके घर में जब वो देखता है कि कुछ है ही नहीं खाने के लिए, उसका जो कबर्ड है वो खाली पड़ा हुआ है, एम्प्टी मतलब खाली होता है, तो जब वो देखता है कि विंटर सीजन में उसके कबर्ड जो है वो खाली है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो जो है कंप्लेन करने लगता है, शिकायतें करने लगता है। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन द ट्री। उसे अपने घर में एक भी तिनका तक नहीं दिख रहा है जिसे वो खा सके, वो सारी तरफ क्योंकि बर्फ है, क्योंकि ठंडियाँ आ चुकी हैं, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, तो उसे ना तो कोई फ्लावर्स दिखते हैं, ना ही कोई पेड़ों पर पत्तियाँ दिखती हैं जिसे वो खा सके। ओ व्हाट ही बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, और वो कहता है ये तो क्या हो गया मेरे साथ, ऐसे करके वो कंप्लेन करना शुरू कर देता है। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन्स ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रीपे इट टुमारो इफ नॉट ही मस्ट
die of starvation and sorrow. तो फिर जब वो उसके पास कुछ भी नहीं बचता खाने के लिए, तो फिर वो क्या करता है, भुखमरी से मरने लगता है और उसके पास तो कुछ भी नहीं है अब खाने के लिए, वो क्या करे. तो अब क्योंकि हर तरफ ठंड है, बर्फ है, तो थोड़ा थोड़ा वेट हो रखा है पूरा मौसम और ठंडी भी है, तो वो कांपते हुए एकदम और ठंड में सिकुड़ते हुए वो माइजरली आंट के पास जाता है. बच्चों, कंजूस चींटियों के पास जाता है. चींटियों का नेचर कैसा होता है, माइजरली होता है, बहुत ही कंजूस होती हैं. तो वो उनके पास जाता है ये देखने के लिए कि क्या वो उसको कुछ उधार देंगी, क्या वो उसको उस ठंडियों वाली बारिश से बचाएंगी, उसको रहने का कुछ जगह देंगी, क्या वो उसको कुछ खाने के लिए देंगी ताकि उसका पेट भर सके. और वो जो है ना, वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है उन चींटियों के पास कि भैया मैं ना तुमसे बोरो करने के लिए नहीं आया हूँ, उधार मांगने के लिए नहीं आया हूँ, बस तुम मेरी आज मदद कर दो, मैं कल तो तुम्हें ना जब समर सीजन आएंगे, स्प्रिंग सीजन आएंगे, तो मैं तुमको वापस कर दूंगा ये सब कुछ, मुझे तुमसे कोई एहसान नहीं चाहिए, बस तुम मुझे थोड़ी सी आज मदद कर दो, कल मैं तुम्हारा जो है वो एहसान चुका दूंगा. और अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, तो फिर मैं स्टार्वेशन से, भुखमरी से और दुख से जो है मर जाऊंगा. तो बच्चों, यहाँ पे भी नेचर जो है ये है तो क्रिकेट का दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप अगर इसको कंपेयर करें तो कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं ना कि जब उनके पास सुख होता है, जब उनके पास थोड़े से पैसे आने लगते हैं, तो वो जो है बहुत ही क्रिकेट की तरह बन जाते हैं इस, और बहुत ही नाचने गाने लगते हैं, पार्टियां करने लगते हैं, कुछ भी अपने बुरे वक्त के लिए जो है संभाल के नहीं रखते, सेविंग्स नहीं करते हैं. और जब उनके पास बुरा वक्त आता है, उनके पास कुछ होता नहीं है, तो वो फिर ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो कि कंजूस नेचर के होते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि भाई मुझे थोड़ी सी उधारी दे दो, थोड़ी सी मदद कर दो, मैं तुम्हारा एहसान जो है बाद में चुका दूंगा. लेकिन वो जो कंजूस लोग होते हैं या जो समझदार लोग होते हैं, वो लोग उनकी मदद ही नहीं करते, और ये जो है वो अपना मुंह लेकर के ऐसे बैठ जाते हैं. तो आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्रिकेट है वो कैसे लोगों का नेचर जो है दर्शा रहा है यहाँ पर. सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ली नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, कोथ द क्रिकेट, नॉट आई, माई हार्ट वॉज सो लाइट डेट आई सिंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर्स लुक्ड गे, यू सेंग सर यू से, गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे. वो जो चीटियां हैं वो उस क्रिकेट को ना ताना देते हुए कहती हैं, हाँ हाँ हम तो तुम्हारे नौकर हैं, हम तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो हम तुम्हारी मदद करेंगे. सुनो सुनो मिस्टर क्रिकेट जी, हम चीटियां जो है ना, हम ना तो बोरो करती हैं, ना तो हम किसी से लेने में विश्वास रखती हैं, ना ही किसी को देने में विश्वास रखती हैं. बोरो का मतलब होता है उधार लेना बच्चों, और लैंड का मतलब होता है उधार देना. तो चीटियां कहती हैं, ना तो हम किसी से उधार लेते हैं ना देते हैं, हम अपनी मेहनत का ही खाते हैं और अपनी मेहनत पे जीते हैं. हम तुम्हारे दोस्त नहीं है, ना ही हम तुम्हारे नौकर हैं जो हम तुम्हारे लिए ऐसा करें. मतलब वो उसको ताना देते हुए कह रही हैं कि हम तुम्हारे नौकर हैं, क्या हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो हम तुम्हारी ऐसी मदद करें. और फिर चीटियों से पूछती हैं, अच्छा बताओ कि तुमने कुछ भी नहीं रख रखा अपने लिए, जब गर्मियां थी, जब स्प्रिंग सीजन था, तो क्या आपने अपने लिए कुछ भी नहीं रख रखा है. तो वो जो क्रिकेट है वो कोथ करता है, कोथ बच्चों मतलब होता है इसका कि कहना, से है ना, ये एक पुराना इंग्लिश में यूज किया जाने वाला वर्ड है, कोथ मींस होता है कहना. तो जो क्रिकेट है वो कहता है कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो अपने लिए कुछ भी नहीं रख रखा है, क्योंकि जब विंटर्स नहीं थे, जब समर थी, तो मेरा दिल जो है बहुत ही हल्का था, मेरे को बहुत ही मज़ा आ रहा था हर जगह, और मैं बस दिन रात जो है गाना गाता रहता था, नेचर को देख करके खुशियाँ मनाता रहता था. तो चींटियां कहती हैं, अच्छा तो तुम उस समर सीजन में जब तुम्हारे मेहनत करने के दिन थे और सेविंग्स करने के दिन थे, तब तुम गाना गा रहे थे, तो ऐसा है अब जाओ और जा करके डांस करके इस बार ना ठंडियों को भी भगा दो. मतलब वो ताना ही दे रही है एक तरीके से, जैसे कि अगर हम इसको इंसान के उससे समझें, तो ये क्या होगा कि जब एक कंजूस इंसान के पास जाता है, कि इंसान मदद मांगने के लिए, ऐसा इंसान मदद मांगने के लिए जा रहा है जिसने कि कभी भी अपनी लाइफ में सेविंग्स नहीं करी हैं, और उसके पास जब पैसा था तो खूब सारी पार्टियां करी हैं, तो जब वो किसी कंजूस इंसान के पास जा रहा है, तो कंजूस इंसान कह रहा है, अच्छा अच्छा बच्चा, जब तुम्हारे पास पैसे थे तो तुमने तो तब तो तुमने उसे बहुत उड़ाया, अब जब तुम्हारे पैसे खत्म हो गए तो तुम हमारे पास मांगने
मांगने आए हो? ना ना, हम ना तो लेते हैं ना देते हैं भैया, ना नौ नगद ना तेरा उधार, हमें तो कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। और अगर आपने अपने पैसे जो है मौज मस्ती में उड़ाए हैं, तो ऐसा करो मौज मस्ती में अपने ये जो बुरे दिन है वो भी काट लो। तो इस तरीके से जो कंजूस लोग हैं वो उस व्यक्ति को ताना दे रहे हैं। यहाँ पे क्रिकेट को ताना कौन दे रहा है? आंट्स दे रही हैं। तो आई होप बच्चों आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का नेचर है इस क्रिकेट का, और इन चींटियों का किस तरीके का नेचर है, और ये कैसे लोगों को दर्शा रहा है यहाँ पे, और ये कैसे लोगों को दर्शा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस एंडिंग ही हास्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट फॉक कॉल्स इट फेयरवेल आई विल वारंट इट ट्रू सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स एंड सम हैव टू। क्योंकि अब बच्चों बेइज्जती काफी हो गई है, तो अब ये जो क्रिकेट है वो वहां से चला जाता है। उसे पता चल गया कि ये चींटियों का जो गेट है वो उनके लिए बंद है, उसको कोई मतलब नहीं है चींटियों को इसके बुरे वक्त से। तो ये कुछ लोग जो हैं कहेंगे कि ये जो कहानी थी ये तो क्रिकेट की कहानी थी और एक आंट की कहानी थी, मतलब एक टिड्डे के नेचर को दिखा रही थी और एक चींटियों के नेचर को दिखा रही थी। लेकिन जो राइटर है वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि केवल ये क्रिकेट की कहानी थी, ये चार पैरों वाले क्रिकेट की नहीं, दो पैरों वाले क्रिकेट की भी यही कहानी है। मतलब इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये जो राइटर है देखो इसने कितनी अच्छी स्टोरी लिखी, कितने अच्छे से समझाया है। अगर आप खुद ही सोचो, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो पूरा टाइम तो मैम नोट्स बनवाती हैं, कॉपी किताब में होमवर्क कराती हैं, ना वो होमवर्क करते हैं ना क्लास वर्क करते हैं ना कुछ। और जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं दो पैरों वाले क्रिकेट जो हैं वो अपने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के पास, अपनी क्लास के टॉपर्स के पास चले जाते हैं कि भैया भैया मुझे अपने नोट्स दिखा दो, मैं जल्दी से कॉपी करके फोटोकॉपी करके वापस कर दूंगा, और जब मेरे को आपको कोई काम होगा तो मैं भी आपका वो काम जो है वो करवा दिया करूंगा। इस तरीके से उनको बोलता है कि मैं तुम्हारा एहसान नहीं ले रहा, तुमसे कुछ बोरो नहीं कर रहा, अगर तुम्हें कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरीके का एटीट्यूड दिखाते हैं वो जो लेजी स्टूडेंट्स हैं। और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिन रात हमेशा मेहनत करी होती है, वो लोग उस बच्चे को कहते हैं ना ना, जब मैम ने पूरी क्लास में सेशन में पूरे साल जो मैम ने पढ़ाया तब तो तुमने बड़ी मौज मस्तियाँ करी, और अब एग्ज़ाम टाइम में तुम हमारे नोट्स मांगने आए हो, हम कहाँ से पढ़ाई करेंगे, हम तो नहीं दे रहे आपको अपने नोट्स, जाओ जाओ ऐसे डांस करते हुए अपना पेपर भी दे दो। तो इस तरीके से ये जो क्रिकेट और आंट की कहानी है बच्चों, ये इंसानों की भी कहानी को दिखाता है कि अगर एक इंसान जो है वो अपने अच्छे टाइम में अपने बुरे टाइम के बारे में नहीं सोचता, तो उसके बुरे टाइम में ऐसे लोग जो हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं वो कभी भी उसकी मदद नहीं करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये कहानी समझ में आई होगी और आपको इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप आप लोग एक क्रिकेट की तरह ना बन करके दिन रात मेहनत करने वाली आंट की तरह बनेंगे। इस कहानी में ये नहीं दिखाया गया है कि आप एक आंट बन के कभी क्रिकेट की मदद ना करो और हमेशा उसको बेइज्जती फील कराओ कि आपने क्यों नहीं किया उस समय काम, बल्कि ये दिखाया गया है कि एक लेजी इंसान की लास्ट मोमेंट पे कोई मदद नहीं करेगा, आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप एक आंट हैं तो आप दूसरों की मदद करने की हमेशा कोशिश करिए, लेकिन साथ में उसको इस बात का एहसास भी दिलाइए कि आप सामने वाला कभी भी क्रिकेट ना बने, वो भी हमेशा मेहनत करके एक आंट बनने की कोशिश करे। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपके सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।